हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फंडसन क्लासेस, योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी टाइम है आपके बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट का, और इसमें सेट वन हो चुका है और आप लोगों ने उस सेट को बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों को वो जो सारे क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे लगे। देखो, मेरा हमेशा टारगेट ये रहता ना, मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चंस दूँ, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आएंगे, रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं बहुत टफ पढ़ाने लगता हूँ, ऐसा चीज़ मैं पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम में आए ही नहीं। टफ़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों के सर पर वो बोझ हो जाए। टफ़ का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम में जो न्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लेवल का आपका क्वेश्चन होना चाहिए और वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये आपको भी पता है। आपको एक पहला टेस्ट देकर ये पता चल गया होगा, ठीक है। ये टेस्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन पहले टेस्ट में मिला और आज हम लोग सेट टू करने जा रहे हैं, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पिछले टेस्ट में मैंने आपसे पूछा था, पिछला जो सेट था उसमें मैंने पूछा था कि आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन चाहिए या 50 क्वेश्चन, तो आप लोगों में से मैक्सिमम ने जवाब नहीं दिया। तो आज एक बार फिर से आप लोग सुनो, आप लोगों को क्या चाहिए, 50 क्वेश्चन इनफ हैं या 100 क्वेश्चन। मेरा टारगेट ये है कि एक आवर के आसपास, एक आवर से लेकर मान लो 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास अगर लेंथ रहता है तो मैं 100 क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग एग्री करते हो तो अपने कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोग भी मेरे साथ एग्री कर रहे हो, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि अब आपके पास एक ही मंथ बचा हुआ है, आपको सीरियस होके पढ़ना है, ठीक है। एक घंटे हो, डेढ़ घंटे हो, आप सब एक बार सिर्फ मुझे अपना पॉजिटिव सिंबल दिखाओ यार। क्या आप लोग, यस मैं हूँ, मैं तैयार हूँ, आप सर जो दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तब देखो मैं आपको क्या क्या देता हूँ, ठीक है। तो आप सब मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको 50 क्वेश्चन सही है, 100 क्वेश्चन सही है। मेरा इच्छा है कि मैं आपको मैक्सिमम दूँ, ठीक है। तो चलिए आज सेट टू स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर, इसमें से कौन सी गैस होती है। आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। ये गैस कौन सा है, ये गैस है ब्यूटेन, ठीक है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यह है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये आपको बताना है। कितने सदस्य है वो है 40 सदस्य जो बिहार से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार, आपने बिहार के लिए एक खास पर्व सुना होगा, वो है छठ पूजा, ठीक है। और छठ पूजा जो है यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है बिहार में और बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन था। यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता किस देश ने सबसे पहले दी। कौन सा देश है, यह देश है स्वीडन। कौन सा देश है, स्वीडन है जिसने प्रथम बार जो है फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। विकलांग दिवस कब हम लोग मनाते हैं, ठीक है, कब मनाते हैं विकलांग दिवस। विकलांग दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किस चीज से, ये आपको बताना है। तो देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह मानवाधिकार से संबंधित है, ठीक है, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अप्रोक्स 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स खेल संबंधित है गोल्फ, ठीक है। आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगा, मैंने पहले ही बताया गोल्फ जो है वह आलसी लोगों का खेल है, बड़े बड़े लोग खेलते हैं। सबसे पहली बात, इसमें बहुत जो आप देखते हो रिच पीपल्स, वो लोग जो गेम खेलते हैं वो गोल्फ है। क्यों है,
क्योंकि एक उसमें छोटा सा बॉल होता है और ये लोग आधा घंटा पहले सोचते हैं कि इसको मारें या छोड़ दें, मारें या छोड़ दें, कैसे मारें, उसके बाद इसको हिट कर देते हैं। उसके बाद बेचारा बॉल कहीं गुम हो जाता है, उसके बाद ये लोग एक गाड़ी रखते हैं, उस गाड़ी में इस बॉल को ढूंढने निकल जाते हैं। ये नॉर्मल लोगों की बात नहीं है, ये बड़े लोगों की बात होती है, बहुत अमीर लोगों की बात होती है। तो प्रिंस कहीं का अगर कोई प्रिंस है तो वो कौन सा गेम खेलेगा? यही वाला गेम खेलेगा ना जो सबसे रिच लोग खेलते हैं, तो वो है गोल। ठीक है, याद रखने में आपको थोड़ा आसानी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ। इसमें से वी ए स्मिथ जो है यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है। ठीक है, वी ए स्मिथ ये एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट और इतिहासकार थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और अगर बात करें इनका भारत में, तो भारत में ये 1871 के बाद आए थे, 1871 से लगभग 1900 तक भारत में रहे थे एक IAS ऑफिसर के तौर पर। ठीक है, और अशोक एवं मुगल शासक अकबर के बारे में पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। तो ये सारे चीज़ें हैं जो वी ए स्मिथ से रिलेटेड है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था, वो था वेनसांग। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, किसने बनवाया है? अब आप सबसे पहले यहाँ पे यही क्लियर कर लो, ये है क्या? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और ये किसने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा? ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली में मुगलों का जो आप बोल सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज था, वो था फारसी, लेकिन तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था वो लिखा गया था तुर्की भाषा में। बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति के सेना के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति का बात किया जा रहा है हल्दी घाटी युद्ध में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा युद्ध है। इसमें से अगर आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप इस तरह से याद रखना, सबसे पहली बात किसके बीच लड़ा गया था, कब हुआ, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध का अगर बात करें तो ये हुआ था कि कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ठीक है, और ये लड़ा गया था अकबर प्लस महाराणा प्रताप के बीच में। क्लियर है, अकबर प्लस महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ 1576 में। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जो हिंदू था उसका नेतृत्व करता मुस्लिम था, लेकिन जो मुस्लिम था उसका नेतृत्व करता हिंदू था। ठीक है, तो ये देखो 1576 में हुआ, और मानसिंह जो था ये मुगल का सेनापतित्व कर रहा था। एक और मानसिंह के साथ एक और शख्स थे आसफ खां। ठीक है, उन्होंने मुगलों की नेतृत्व की। और महाराणा प्रताप के तरफ से अगर बात करें तो महाराणा प्रताप के तरफ से कौन था? तो महाराणा प्रताप के तरफ से हकीम खान था। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा, और
इसमें अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की आंशिक रूप से पराजय भी हुई थी, उसके बाद उनको रण छोड़ के भागना पड़ा था, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें जो अकबर है उनकी सेना जीत चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा रणनीति अपनाया था, उनको यानी महाराणा प्रताप को हारना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, ठीक है। कहाँ थी शिवाजी की राजधानी? रायगढ़, ठीक है। अच्छा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था, ठीक है, 1627 में। अच्छा, कहीं इसमें आपको 1627 मिलेगा, कहीं 1630 मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि कहीं 27 मिलेगा, कहीं 30 मिलेगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो 27 है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 27 नहीं दिखे और 30 ही दिखे तो आप वो भी मार के आराम से आगे बढ़ सकते हो, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप कर भी देते हो तो जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है 1627 और 1630 दोनों में से कोई एक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। पिता का नाम शाहजी भोसले था, ठीक है। और अगर इनकी राज्याभिषेक का बात करें तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था, लेकिन कब? तो रायगढ़ में करवाया था 1674 ईस्वी में, ठीक है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और एक प्रसिद्ध विद्वान थे, काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनके थ्रू इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, एक ब्राह्मण थे। क्या नाम था उनका? यह भी बहुत बार पूछा गया है। उनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आप शिवाजी से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1773 ईस्वी में, ठीक है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, उसका पद गवर्नर जनरल के नाम से कर दिया गया, ठीक है। अब आप सभी मुझे कमेंट में ये बताओ कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? आप सभी को पता है 1856 में कैनिंग आ चुके थे, ठीक है। कैनिंग थे 1856 में गवर्नर जनरल, ठीक है। आप सभी को पता भी होना चाहिए कैनिंग से पहले कौन थे गवर्नर जनरल। तो कैनिंग से पहले कौन थे? ये थे डलहौजी, और डलहौजी के बाद आए थे कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऑपरेशन इंसानियत का संबंध है? तो भारत में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन इंसानियत। अब आप सभी को यह बताना है वो ऑपरेशन इंसानियत किस चीज से संबंधित था। तो ऑपरेशन इंसानियत ये रोहिंग्या समुदाय के राहत से संबंधित था, ठीक है। रोहिंग्या जो समुदाय है उनको राहत दिया जाए, इससे संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन इंसानियत, ठीक है। अब आप सभी मुझे कमेंट में ये बताओ, ये रोहिंग्या समुदाय जो है ये मेनली कहाँ का समुदाय है जिनको राहत का बात किया जा रहा है? ये हमारे देश का समुदाय नहीं है, ये किसी और देश का समुदाय है, और बहुत चर्चे में रहा है 2018 में भी ये, ठीक है। 2018-19 में ये बहुत चर्चे में था, 18 लास्ट में। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये रोहिंग्या समुदाय कहाँ के लोग हैं, ये आप सभी कमेंट में मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होने का संभावना है। ऑप्शन देखो आप, लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी और लोकनेता। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होना लाजमी है, इसलिए आपको एग्जैक्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को नेपाल में जाना जाता है? तो कोसी नदी, जिस नदी को हम लोग कोसी के नाम से जानते हैं, तो इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है। और अगर कोसी नदी का उद्गम पूछे तो सप्तकोशिकी आपको बहुत बार ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो नेपाल में, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? 1907 में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा ध्वज फहराया गया था, और ये कहाँ फहराया गया था? ये स्टटगार्ट में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? स्टटगार्ट में प्रथम तिरंगा किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, आसान सा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त था। कौन था? कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी आपको दो टेबल दिया हुआ है, इसमें से आपको सुमेलित करना है। क्या है? चोपानी मांडो, कुल्ली और अंतिरपक्कम और इनाम गांव। ठीक है, तो क्या क्या है? चोपानी मांडो, कुल्ली, अतिरपक्कम और इनाम गांव। और दूसरे साइड में आपको दिया हुआ है, ये स्थल है, चार स्थल, और दूसरे साइड में यहाँ का संस्कृति दिया हुआ है, पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण, पूर्व हड़प्पा और मध्य पाषाण। इसमें से आपको मैच करके बताना है। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो कोई बात नहीं है, आज सीख लो, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको अलग अलग करके भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए कुल्ली का संस्कृति क्या था, तो आपको वहाँ पे बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सीख लो। तो सबसे पहले है चोपानी मांडो। तो चोपानी मांडो का जो संस्कृति था, यानी किस काल में, मेनली ये है कि किस काल में ये बिलोंग करते थे, तो ये थे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, चोपानी मांडो मध्य पाषाण काल का स्थल है। और अगर बात करें कुल्ली ये आपका जो है पूर्व हड़प्पा का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद है अंतिरपक्कम, यह अतिरपक्कम यह पूरा पाषाण काल का क्षेत्र, और इनाम गांव है ताम्र पाषाण का क्षेत्र। ठीक है, आप फिर से एक बार सबको देख लो, चोपानी मांडो यह है मध्य पाषाण काल, कुल्ली है पूर्व का पाषाण काल, और अतिरपक्कम ये कौन सा है, ये है पूरा पाषाण काल, और इनाम गांव संबंधित है ताम्र पाषाण काल से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स का बात किया जा रहा है। तो भारत में सबसे पहला जो एम्स स्थापित किया गया वो क्या गया? हमारी राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग 1905 में हुआ था, आप सभी को पता है। ठीक है, 1905 में ही बंग भंग क्या हुआ, ये बंगाल विभाजन का आंदोलन था। ठीक है, बंगाल विभाजन, तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन सी आंदोलन थी? स्वदेशी आंदोलन की। क्लियर है? अच्छा, बंग भंग के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले डिसाइड किया गया कि बंगाल विभाजन होगा। ठीक है, अगस्त में ही किया गया था, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है डिसाइड किस दिन किया गया था। ठीक है, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी आप याद रखना कि 1905 में जुलाई में इसको डिसाइड किया गया था, डेट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है अभी। ठीक है, तो बंग भंग, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, बंग भंग के बाद यानी बंगाल विभाजन का डिसीजन कब हुआ? ये जुलाई मंथ में हुआ। ठीक है, अब इसके खिलाफ 7 अगस्त को कब हुआ? 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन इसके खिलाफ चालू हुआ। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा, और 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को जाके बंगाल विभाजन अस्तित्व में आ गया। क्लियर है? ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली में ये डेट अरेंज करने भी दे दिया जाता है। ठीक है, मैंने खुद क्वेश्चन देखा है, और ये डेट अरेंज करने के लिए था कि बंगाल विभाजन से संबंधित इन तिथियों को सजाएं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरल स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है, जुलाई में सबसे पहले क्या हुआ, डिसाइड किया गया बंगाल विभाजन होगा, उसके बाद 7 अगस्त को
बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ और 16 अक्टूबर को जाके बंगाल विभाजन अस्तित्व में आया। कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला। लोगों को ऐसा लगता है कि बंगाल विभाजन हो गया उसके बाद इस आंदोलन का अस्तित्व आया, लेकिन ऐसा नहीं था। बंगाल विभाजन हुआ भी नहीं था, बंगाल विभाजन का बस सोचा गया था कि बंगाल विभाजन होगा, ठीक है, जुलाई मंथ में, और इसके खिलाफ इन्होंने, बंगाल विभाजन के खिलाफ इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चालू किया। क्लियर है, डेट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, यह निम्नलिखित में से किस जिले की भूमि सिंचित है, ठीक है। त्रिवेणी नहर का बात किया जा रहा है, त्रिवेणी नहर यह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को सिंचित करती है। कहाँ कहाँ करती है? पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को। और त्रिवेणी नदी का उद्गम कहाँ है? देखो क्वेश्चन से आपको सिर्फ आंसर, मैं बार बार ये बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन भी समझना है, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बस वो लोग आंसर टिकाने का कोशिश करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वन लाइनर वाला जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में वो आपको एग्जाम फोड़ने में हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे आंसर आपके जहन में उतर जाता है। यहाँ आप चार में से कोई एक ऑप्शन मार के निकलना चाहते हो और वहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन है नहीं। फर्स्ट बार अगर आपको कुछ भी रैंक नहीं आता है, मान लो टॉप 10 का तो बात छोड़ दो, आपको मार्क्स 10 ही आता है, 15 ही आता है, लेकिन अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हो और दूसरा अटेम्प्ट में आप 50 out of 50 ले आते हो, तो सोचो आपका एग्जाम में कितना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, सोचो इस बात को, ठीक है। तो वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह में आता है आपका, ठीक है, 7:15 में आपका जो मिक्स्ड वन लाइनर सेशन है वो आता है। उसके बाद फिर दोपहर में आपका आता है साइंस का, ठीक है, उसके बाद शाम में करंट अफेयर्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करना उसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर जो इस नहर का बात किया जा रहा था, यह कहाँ से निकलती है, यह भी आपको याद रखना है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है और यह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को सिंचित करती है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से NH आते हैं, ये आपको बताना है। कौन सा NH है? वो है NH 28 और NH 31। ये देखो बिहार के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि बिहार में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बिहार से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली आपको याद करना होगा, ठीक है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो ये हैं NH 28 और NH 31। अगला क्वेश्चन है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, यानी बिहार का वो कौन सा जिला है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा जिला है? वो जिला है पटना, ठीक है। पटना बिहार में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? ये दिया गया था पीटर हैंडके को। किसको दिया गया था? पीटर हैंडके को। और ये कहाँ से हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया से। कहाँ से हैं? ऑस्ट्रिया से हैं पीटर हैंडके। इनको दिया गया था 2019 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, विलियम जे लोम्बार्डी जिनका निधन अक्टूबर 2017 को हो गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विलियम जे लोम्बार्डी बहुत ही फेमस शख्स हैं और ये संबंधित थे शतरंज से। किसे थे? शतरंज से विलियम जे लोम्बार्डी संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हो गई थी वर्ष 1938 में। कब हुई थी? वर्ष 1938 में ही खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पशु नस्ल सुधार योजना किस विभाग के नियंत्रण में चलाई जा रही है? कौन सा योजना है? पशु नस्ल सुधार योजना यह किस विभाग के नियंत्रण में चलाई जा रही है? यह है
पशुपालन विभाग, किस विभाग में? पशुपालन विभाग। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल सागर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है? लाल सागर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार कौन सा है? तो ये कौन सा है, ये है आपको बिहार का ही बात करना है, ठीक है, बिहार राज्य में ये कौन सा है, ये है बक्सर पक्षी विहार। ठीक है, बक्सर पक्षी विहार जो है वह लाल सागर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बस यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है पूछा क्या जा रहा है। प्रथम महिला बहुत लोग सोच लेते हैं और एनी बेसेंट आंसर मार के आगे निकल जाते हैं, पर ध्यान देना है आपको यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला का बात किया जा रहा है, और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और जो एनी बेसेंट थी वह कब बनी? एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू दोनों का आपको ईयर याद रखना है, 1917 में। ठीक है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, लेकिन प्रथम भारतीय का अगर बात किया जा रहा है तो यह है सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू ने कब अध्यक्षता की थी, इन्होंने किया था 1925 में। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। क्लियर है, दोनों में कंफ्यूजन अगर आपको अभी कभी हुआ तो फिर आप इस चीज को याद रखना कि एनी बेसेंट ए से है, वह पहली महिला जरूर है, लेकिन सरोजिनी नायडू बाद में आई और बाद में इन्होंने अध्यक्षता की जो भारत की थी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है किस मिट्टी में? यह है रवेदार मिट्टी में। किस मिट्टी में? रवेदार। ठीक है, रवेदार मिट्टी में चूना और क्षार यानी बेस की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग, तो बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए राजधारी सिन्हा। कौन हुए बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? तो बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए राजधारी सिन्हा। कौन हुए? राजधारी सिन्हा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित आंदोलन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ठीक है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यायन ये बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखो यहाँ पे बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से वो याद रखना है। ठीक है, तो बिहार के किस क्षेत्र से 1920 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें बिहार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था उसमें से छपरा एरिया के जो असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम था उसमें राहुल सांकृत्यायन सक्रिय था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है 12वां, ठीक है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से 3rd, तीसरा स्थान है पॉपुलेशन की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के एरिया वाइज 12वां स्थान है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, जगजीवन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जगजीवन स्टेडियम, तो जगजीवन स्टेडियम कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर, बिहार का एक जगह है कैमूर, वहां पे जगजीवन स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना यह एक सड़क परिवहन परियोजना है। भारतमाला परियोजना कैसी परियोजना है? यह एक सड़क परिवहन परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 38 वर्षों के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ था? 2017 के आसपास में यहाँ पे हुआ था, लेकिन खासियत इसका यह है कि 2038 के बाद यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ था, यह है अंगोला। कौन सा है? अंगोला। अंगोला में
38 वर्षों के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा नृत्य जन्म महोत्सव पर होता है? जन्म महोत्सव पर यहाँ पे बिहार में एक खास नृत्य होता है, उस नृत्य का नाम क्या है? उस नृत्य का नाम है पवंडिया, पवंडिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? पवंडिया नृत्य। ये पवंडिया नृत्य जन्म महोत्सव पर होता है, ठीक है। और ये लौंडा नाच जो है यह शादी विवाह में होता है। किसमें होता है? शादी विवाह में लौंडा नाच होता है। और पवंडिया ये बच्चों के जन्म पर होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है कौन सी? बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी परियोजना है? यह सोन नदी पर परियोजना था। बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी पर था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। तो आपको चार काल दिया हुआ है, ये मैंने डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जिसको भी कन्फ्यूज़न होता है इसमें, वो अपना हिस्ट्री का जो मैं डिटेल क्लास ले रहा था वहाँ पे पहला वीडियो इसी पे है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इसको आपको सही ऑर्डर में सजाना है। तो सही ऑर्डर में चलिए सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले पूरा पाषाण काल होगा एक नंबर पे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा मध्य पाषाण काल। उसके बाद क्या होगा? नव पाषाण काल। और उसके बाद ताम्र पाषाण काल, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले पोजीशन पे पूरा पाषाण काल, दूसरे पोजीशन पे मध्य पाषाण काल, तीसरे पोजीशन पे नव पाषाण काल और चौथे पोजीशन पे ताम्र पाषाण काल, क्लियर है। सबसे लास्ट में आएगा ताम्र पाषाण काल, और सबसे लास्ट में ताम्र पाषाण काल का एक ही ऑप्शन है, वो है सी, क्लियर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस हर वर्ष हम लोग 11 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2019 को जारी खिलाड़ियों की रैंकिंग में ऑलराउंडर खिलाड़ियों, जो टेस्ट मैच के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं उनमें सेकेंड स्थान दिया गया है, यानी दूसरा स्थान दिया गया है किसको? तो ये हैं भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, ठीक है। रविंद्र जडेजा को दूसरा स्थान मिला है अक्टूबर 2019 के टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर के फील्ड में। तो पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है जैसोन, ठीक है। किसको मिला है? जैसोन होल्डर को, जैसोन होल्डर को पहला स्थान मिला है। और जैसोन होल्डर कहाँ के हैं? जैसोन होल्डर ये है वेस्ट इंडीज के प्लेयर, ठीक है, और कंट्री वाइज ये बरमूडा के हैं, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के टेस्ट कैप्टन है, कौन है? जैसोन होल्डर। और रविंद्र जडेजा है भारत के ऑलराउंडर जो सेकेंड पोजिशन पर आए हुए हैं आईसीसी रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो किस घटना के बाद? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आप सभी इसको जानते हो, ये है चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड ये 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चालू किया था उसको इन्होंने खत्म किया इसी कांड के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर को किस संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? कौन सा संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, ठीक है, जीएसटी कर को किस संशोधन के द्वारा अस्तित्व में लाया गया है ये आपको बताना है। तो वो कौन सा संशोधन था? तो जीएसटी को लाया गया है 101वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर को किस संशोधन के द्वारा लाया गया? इसको लाया गया 101वां संशोधन, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। जनरली मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ 100 क्वेश्चंस लेने का, तो हो सकता है अगले सेट से मैं या तो 50 क्वेश्चंस लाऊं या 100 क्वेश्चंस लाऊं,
वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहता है तो आपका वीडियो लेंदी हो जाता है। एक घंटा से कुछ अगर आसपास हुआ तो मैं इसको 100 क्वेश्चंस को लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है, जो आपका कंटिन्यू रहेगा। आपका काम बस इतना है कि आप मन लगा के पढ़ो, ठीक है। आपको ये सोच के पढ़ना है कि इस बार आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मेरे तरफ से जितना डाटा देने का कोशिश होगा मेरे तरफ से हमेशा वो रहता है, ठीक है, कि आपको बेस्ट चीज़ें मिले ताकि आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम तक आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वो मुझे पता चलता है, ठीक है, कितने आप लोग एक्टिव हो। और जो भी क्वेश्चन मैं बीच में पूछता हूँ आप उसका आंसर करो, रेगुलर रहो, ठीक है। ऐसा नहीं 2 दिन पढ़ा आपने उसके बाद आपने वीडियो डाउनलोड करना चालू कर दिया। ये डाउनलोड करने का जो रिवाज है ना वो बहुत पहले का है, अब का नहीं है। अब आप टाइम फिक्स करो अपने पढ़ाई का, इस वक्त मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम अगर आपका अभी 1 मंथ बचा हुआ है तो आपको सीरियसली पढ़ना होगा और अपना टाइम फिक्स करके उस हिसाब से आपको अपना ड्यूटी पूरा करना होगा, तभी आप सक्सेस पा पाओगे एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए अब दूसरे सेट में फिर से मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।